बस्तर अलग है, आप अलग दुनिया में अगर हो तो मैं अलग दुनिया से आज दिल्ली में आया हूँ ऐसा मुझे लग रहा है। होता क्या है कि कानून सिर्फ वहाँ किताबों में मिलते हैं, असल फील्ड में नहीं है। वहाँ ग्राम सभा बंदूक के नोक पे किया जाता है, बंदूक के नोक पे ग्राम सभा किया जाता है, बहुत गंदा ट्रीट किया गया है और कानून की इस तरह से धज्जियां उड़ाई गई है कि आप पूछिए मत। जैसे आप सभी वन अधिकार के बारे में बात कर रहे थे और कई ड्राफ्टिंग कमिटी से भी हैं, लेकिन फॉरेस्ट राइट का जितना गंदा अगर उपयोग किया गया होगा तो वो बस्तर में किया गया है। अभी अभी हम लोग अडानी के खिलाफ जो लड़े हैं उसमें डायरेक्ट लिखा गया है कि ये शेड्यूल एरिया नहीं है, ये सामान्य एरिया है, ये लिख के दिया गया है, जबकि नोटिफाइड है राष्ट्रपति से, लेकिन वो आप फिफ्थ शेड्यूल नहीं है ऐसा लिखा गया है। मतलब देशद्रोह लग सकता है एक कलेक्टर को। और अभी रेलवे प्रभावित के लिए मैं काम कर रहा था तो उसमें अगर किसी का जमीन आप अधिग्रहण करते हैं, अगर वन भूमि है, तो उसमें 2013 का आप जो भूमि अधिग्रहण बिल है वो लागू होंगे, लेकिन हमारे यहाँ का कलेक्टर बोलता है उसके नीचे वाले कि इसमें कोई लागू नहीं होंगे, वन भूमि वाले को हम केवल क्षतिपूर्ति दे देंगे, तो उसमें 2000-1000 देते हैं, एक एकड़ जमीन से भी ज्यादा जा रहे हैं। तो ऐसे ऐसे चीजें हो रही है। और जो ग्राम सभा की बात कर रहे हैं, ग्राम सभा वहां के जो तौर तरीका है उससे एकदम विपरीत ग्राम सभा होती है। से पहले चले जाए तो वहां एक गांव पूरे समुदाय बैठती थी किसी मामले को लेके, लेकिन अब सरपंच और सचिव भी ग्राम सभा निपटा रहे हैं। अबुझमार ऐसा एरिया है जहां आज तक सर्वे नहीं हुआ है, वहां के लोग कैसे हैं किसी को पता नहीं है। एवं कई ऐसे अंदर के एरिया के हैं जो नमक लेने बाहर भी नहीं आते। एक तरफ आप खोद रहे हो रावघाट, अभी माइंस स्टार्ट होने वाली, एक तरफ से अबुझमार को खोदा जा रहा है और एक तरफ से बोलता है हमारा गवर्नमेंट कि हम हैबिटेट राइट्स देंगे, पूरा इलाका का देंगे। तो ये बहुत कानून का धज्जी बस्तर में उड़ाया जा रहा है।